नमस्ते दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा है, आप पहले ही जानते हैं कि आज का विषय क्या होगा। हाँ, आज हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में जानेंगे, जिनसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं उनकी प्रक्रियाओं के माध्यम से। इसीलिए बिना किसी कारण के आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 10 अगस्त 1860 जन्माष्टमी के दिन मुंबई में हुआ था। उनकी शिक्षा पहले मुंबई और फिर पुणे में हुई। वे व्यवसाय से वकील थे तथा मुंबई में सॉलिसिटर के रूप में उनके पहचान थी। संगीत में रुचि होने के कारण छात्र जीवन में उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की। पत्नी तथा बेटी के अकाल मृत्यु से वे जीवन के प्रति अनासक्त हो गए। उसके बाद अपना पूरा जीवन उन्होंने संगीत की साधना में ही समर्पित कर दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही लोग संगीत सीखते थे, पर पंडित जी इसे सर्वसुलभ बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संगीत का कोई पाठ्यक्रम हो तथा विद्यार्थी इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में जाने। वे देशभर में संगीत के अनेक उस्तादों और गुरुओं से मिले, पर अधिकांश गुरु उनसे सहमत नहीं थे। अनेक संगीतकार तो अपने राग तथा बंदिशों को सबको सुनाते भी नहीं थे। कभी कभी तो अपने किसी विशेष बंदिश को वे केवल एक बार ही गाते थे, जिससे कोई उनकी नकल न कर ले। ध्वनि मुद्रण की तब कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में पंडित जी इन उस्तादों के कार्यक्रम के पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते थे तथा स्वरलिपियाँ लिखते थे। इसके आधार पर बाद में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। आज छात्रों को पुराने प्रसिद्ध गायकों की जो स्वरलिपियाँ उपलब्ध है, उनका बहुत बड़ा श्रेय पंडित भातखंडे को है। संगीत के एक अन्य महारथी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी इनके समकालीन थे। ये दोनों द्विविष्णु के नाम से जाने जाते थे। जहाँ पंडित पुलस्कर का योगदान संगीत के क्रियात्मक पक्ष को उजागर करने में रहा, वहाँ पंडित भातखंडे क्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों पक्ष में सिद्धस्थ थे। संगीत क्षेत्रों के इस राज्य को दिखाने के बाद उन्होंने व्यवहारिक और सिद्धांत दोनों में स्थिति को सुधारने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने 1904 में भारत के दक्षिण भाग में यात्रा की। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राचीन पुस्तकों की खोज की। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ चर्चा की। इसी तरह उन्होंने भारत के उत्तरी भाग की यात्रा की और उत्तरी भारतीय शास्त्रीय या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में सीखा। तब कुछ संगीतकार ने उन्हें कुछ भी सिखाने से इनकार कर दिया, जब तक कि वे गंडा बंधन नहीं करते। पंडित भातखंडे संकोच नहीं करते थे और समारोह के माध्यम से वे अपने शिक्षा प्राप्त करते थे। संगीत का अंकुर तो उनके हृदय में बाल्यकाल से था। थोड़ा बड़े होने पर इनको भारतीय संगीत कला के प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने को भी अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और सोई हुई संगीत जिज्ञासा जाग उठी। इसके बाद इन्हें संगीत कला को अधिक गहराई से जानने की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने मुंबई आकर गायक उत्तेजन मंडल से संगीत शिक्षा प्राप्त की और कई पुस्तकों का अध्ययन किया। वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ संगीत चर्चा में शामिल हुए। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
इसके बाद पंडित जी ने उत्तरी तथा पूर्व भारत की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें उत्तरी संगीत पद्धति की विशेष जानकारी हुई। विविध कलावंतों से इन्होंने बहुत से गाने भी सीखे और संगीत विद्वानों से मुलाकात करके प्राचीन तथा अप्रचलित रागों के संबंध में भी कुछ जानकारी प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर और कलकत्ता की यात्राएं की तथा सन 1908 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में यात्रा किया। इन्होंने बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वर लिपि तैयार करके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रामिक पुस्तक मल्लिका के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई, जिसके 6 भाग हैं। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो हिंदी में भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी थी, के 4 भाग मराठी भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा में भी इन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजारी नामक पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत के विशेषताओं तथा उनमें फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। विष्णु नारायण भातखंडे ने अपना शुद्ध ठाट विलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों का बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। देश के भावी पीढ़ी को संगीत सीखना सुलभ हो सके, इसके लिए पंडित जी ने हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत पद्धति का गहन अध्ययन कर स्वर मल्लिका नामक पुस्तक लिखी। रागों की पहचान सुलभता से हो सके, इसके लिए थाट को आधार माना। इस प्रकार कर्नाटक संगीत शैली के आधार पर लक्षण गीतों का गायन प्रारंभ किया। पंडित जी ने अनेक संगीत विद्यालय प्रारंभ किए। वे चाहते थे कि संगीत की शिक्षा को एक सुव्यवस्थित स्वरूप मिले। उनकी प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा नरेश ने 1916 में अपनी रियासत में संगीत विद्यालय स्थापित किया। इसके बाद ग्वालियर महाराजा ने भी इसकी अनुमति दी, जो आज माधव संगीत महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। 1926 में उन्होंने लखनऊ में एक विद्यालय खोला, जिसका नाम अब भातखंडे संगीत विद्यालय है। पंडित जी द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम को पूरे भारत में आज भी मान्यता प्राप्त है। संगीत से सामान्य जनता को जोड़ने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रारंभ किया। इसमें कोई भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता था। इससे कई पीढ़ी के संगीतकारों को एक साथ मंच पर आने का अवसर मिला। 1933 में उनके पाँव की हड्डी टूट गई। इसके बाद उन्हें पक्षाघात भी हो गया। 3 वर्ष तक वे बीमारी के साथ संघर्ष करते रहे। इसके बाद 19 सितंबर 1936 में गणेश चतुर्थी के दिन उनका देहांत हुआ। उनकी स्मृति में 1961 में उनके जन्म दिवस पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी की। ये सारी जानकारी के साथ हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। यदि आप कोई और जानकारी जानते हैं तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। यदि आपको कोई प्रश्न है तो हमें संपर्क करने में संकोच ना करें। आपको संपर्क विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले और जितने हो सके उतने आपके दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब तक साथ रहने के लिए धन्यवाद और हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।